हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या तरीका है? और वो सामान? मुलाजमा पहुंचा देगी सामान तुम्हारी एनी भाभी के कमरे में। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह से तुम सबके सामने मुझे यहाँ लेकर आई हो ना, मुझे ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एनी से दूर रहो। अच्छा, और तुम कौन होती हो मुझे ये बात कहने वाली? देखो मेरी बात गौर से सुनो, कजन हो इसलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ, अपनी लिमिट्स में रहो। ये बात मैं वहां सबके सामने तुम्हें कह सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की। सो प्लीज अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल करो। कैसे लगे तुम्हें गिफ्ट्स? शुक्र करो, तुम्हारे होने वाले बच्चे की वजह से मम्मी का रवैया काफी चेंज हो गया है। उसे भी सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे का भी क्या नसीब है। उसकी शॉपिंग उसके बाबा के बजाय दूसरे लोग कर रहे हैं। उन्हें होना चाहिए था ना, मैं रोज होते तो ये सब कुछ लेकर आते वो, है ना? अगर दूसरे लोग नहीं करते तब भी तो तुम्हें दुख होता ना। मम्मी की खुशी तो अलग, लेकिन तुमने अफान को देखा था कितना खुश लग रहा था। हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? जिस बच्चे के सर से उसके बाप का साया चला जाए, उसकी होने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी? तुम फिक्र मत करो, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और मम्मी का रवैया देखकर तो मुझे अंदाजा हो गया है, तुम्हारी औलाद इस घर में शहजादों की तरह पलेगी। और मेरा यकीन करो, ऐसा ही होगा। तुम्हारी होने वाली औलाद ने इस घर में बहुत कुछ बदल दिया है। मैं बस यही चाहती हूँ एनी, कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसके साथ कोई हक तलफी ना हो, उसको सबका प्यार मिले, सबका। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एनी, मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह पाक मेरी गोद भी खुशियों से भर दे। अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। इंशाल्लाह तुम्हारी गोद भी खुशियों से भर जाएगी एक ना एक दिन। इंशाल्लाह।